हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी इसी तरह की फ्री जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर 2018 रविवार के दिन मनाई जाएगी। वहीं उदयातिथि अष्टमी एवं उदय कालिका रोहिणी नक्षत्र को मनाने वाले वैष्णव जन 3 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत एवं पर्व मनाएंगे। हालांकि अष्टमी तिथि रविवार को शाम 5:09 से आरंभ होगी, जो सोमवार को दोपहर दिन में 3:29 तक रहेगी। साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी रविवार की शाम 6:29 से प्रारंभ होकर अगले दिन सोमवार को दिन में 5:35 तक रहेगा। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी और आपके परिवार की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करके आपकी हर परेशानी को सदैव के लिए समाप्त कर देगा। दोस्तों, जिस मंत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह शास्त्रों के अनुसार बहुत ही चमत्कारी एवं बहुत शीघ्र असर करता है। यदि दोस्तों आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तथा अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो जन्माष्टमी की रात एक बार इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन शाम को आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 2 माला जाप करें। दोस्तों, मंत्र है ओम वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मंत्र एक बार और सुने। मंत्र है ओम वासुदेवाय नमः। इससे श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका घर सुख तथा समृद्धि से भर जाएगा और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। फिर चाहे वो मनोकामना आपकी धन से ही क्यों ना जुड़ी हो। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।